सर आपने कंकारा मूवी देखी जो कि इसमें राइटर डायरेक्टर और पूरा हीरो का भी काम ऋषभ शेट्टी ने किया है, आपने मूवी देख के आई, आपको ये मूवी कैसी लगी? बाप रे बाप, इसको ऑस्कर नहीं, इसको रेटिंग देने का मतलब अपना इज्जत निकालने ऐसा है। इतना हिंदू कल्चर के लिए इतना उसको बताया गया है ना, हाँ। एक नंबर, इसको रेटिंग देना मतलब हाँ। मतलब अपने आप मतलब वो पिक्चर को ये करने जैसा, जज करने मतलब जैसा, जितना भी कम दो उतना कम है। और उसको ऑस्कर में भी मतलब भेजो ना, उसके लिए भी कम है वो, बेसिकली इतना डायरेक्शन उसने अच्छा दिया, उसने अच्छा एक्टिंग किया ना, ब्लास्ट है, ब्लास्ट मानना, क्लाइमेक्स भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यस फुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। आप कनाडा मूवी देखे, उसके बारे में दो लाइन कुछ बोल के जाइए। कनाडा मूवी काम कर रही है ऋषभ शेट्टी सर जो है, उन्होंने राइटिंग डायरेक्टर और हीरो का काम किया है, आपको ये मूवी कैसी लगी? नहीं नहीं बहुत अच्छे बनाया, हाँ। जैसे हमारे गांव में यहाँ मंगलोर में हाँ। होता है ये कोला गीला सब होता है हाँ। उसके हिसाब से मस्त एकदम, जैसे आजकल के बच्चे लोग को नहीं मालूम हाँ। ये सब क्या हुआ पहला जान हाँ। क्या होता था। पहली बार जो सिनेमा का मंदिर में कन्नड़ मूवी जो लगी है हाँ। और भी ऋषभ शेट्टी सर ने तीन काम किए, एक राइटिंग और डायरेक्शन और हीरो, ये बहुत बड़ी बात है। और ये संडे तक इसे स्क्रीन नहीं, लेकिन संडे को यहाँ पे 1 बजे का शो, 7 बजे का शो, क्योंकि अभी ऑलरेडी हाउसफुल चल रही है। आपने ये मूवी देखी, आपको कैसा लगा? और ऑडियंस से कुछ बोलिए अपने भाषा में देखने के। ऑडियंस भी बोलता, मैं भी बोल रहा हूँ हाँ। एक बार आप देखो हाँ। भाषा कोई भी हो, कन्नड़ा हो कोई भी हाँ। हो, लेकिन उसमें मालूम पड़ता है हाँ। वो पहला जुना संस्कृति क्या रहता है हाँ हाँ। कैसा है हाँ। कैसा है, वो सब इस तरह एकदम साफ क्लीन दिखाया हाँ हाँ। उसमें जरा भी ये नहीं दिया हाँ हाँ। बहुत अच्छा दिखा। अच्छा, क्लाइमेक्स आपको जो दिखाया है वो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसे तो उसमें तो इस मूवी को कितना देंगे? वो अभी आप बोलते हैं 5% बोलते, फाइव से हम तो मैं इसको तारे दे दिया, मैं तो 5 तारे दे दिया। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर, आप कुछ बोल के जाइए ऋषभ शेट्टी के बारे में, जो उन्होंने इतना मेहनत करके ये मूवी राइटिंग भी किया, डायरेक्शन भी किया और हीरो का भी रोल किया। सर कुछ दो लाइन बोल के जाइए। और ये पिक्चर ऑसम है, मतलब ये पिक्चर ऐसा पिक्चर देखा ही नहीं है, मतलब हाँ। ये हम लोग का गांव का संस्कृति है हाँ। बट मैं कभी नहीं अटेंड करता था हाँ। बट ये मूवी देख के समझा कि हाँ। रियल क्या स्टोरी है हाँ। बट वो बंदे को मानना पड़ेगा, सही स्टोरी और सही एक्टिंग की है। आता है लेकिन मैं ये मूवी कन्नड़ में रात को 10:30 बजे का शो में फर्स्ट डे को देखा, मुझे अच्छी लगी। वो आपका ओपिनियन मैं पूरा जानना चाहता हूँ। ये मूवी जो है ये ग्राउंड लेवल से बनाई है, मतलब हाँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल है। अच्छा, ये रियल फैक्ट दिखाया उन्होंने। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा ही होता है हाँ, हाँ, और ये रियल फैक्ट है। अच्छा, उसमें कुछ ऑडियंस से बोल के जाइए, ये मूवी जो कि सिनेमा का मंदिर गेटी गैलेक्सी में लगा है, आप जरूर एक बार देखिए। कुछ अपने पास ये मूवी को ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिला है, हम लोग कलवा से आए हैं वेस्टर्न में सिर्फ ये मूवी के लिए, क्योंकि ये स्क्रीन अवेलेबल था। अच्छा, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि और स्क्रीन मिलना चाहिए ये मूवी के लिए। उंदू मूवी पूरा खुला तूले, उंदू ऑसम मूवी, नेत्तल का मूवी नमक बोलना तिक्कंद, इंदू बेस्ट मूवी, प्लीज गो एंड वॉच इंदू मूवी एडंट। यस थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज आप लोग प्लीज सर दो लाइन कुछ ऋषभ शेट्टी के बारे में बोल के जाइए प्लीज। बहुत अच्छा मूवी है, मूवी देख के ऐसे लगा और देखते रहे, बिकॉज ये हमारे जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसके रिलेटेड है, जो कि दूसरों को इतना अवेयरनेस है नहीं। तो हम चाहते हैं ऋषभ शेट्टी जी और इस पे और बनाए, ऐसे पार्ट सीरीज में और बनाए करके। क्लाइमेक्स कैसा लगा? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। ऋषभ शेट्टी सर ने राइटिंग डायरेक्टर और जो है उन्होंने हीरो का काम किया, और देखा जाए तो KGF को भी उन्होंने पूरा राइटिंग में दे दिया था। मतलब इतने इतने अच्छे कलाकार जो है, आज हमें मालूम पड़ा कि आज जो है ये मूवी जो है पब्लिक बुला के नहीं, ऐसे ही आ रही है देखने के लिए। तो आप ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइन बोलिए, आपके भाषा में चलेगा। मातेला तूले तुलुनाडम मस्त मल्ला पिक्चर उंडू, और वही कहूँगी कि ऐसे ऋषभ शेट्टी ऐसे वाले हाँ। फिल्म्स और बनाए ताकि अच्छा, बाकियों को भी समझे कि एग्जैक्टली होते क्या। हाँ जरूर जरूर। तो और इस मूवी को आउट ऑफ 5 कितना देंगे? मोर देन 5 ऑब्वियसली। फाइव या 5। थैंक यू।